तो कैसे हैं आप लोग? आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ एक बार फिर से इंजेक्शन में। चलिए आज हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग हमारे पेज में इंटरनल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब इंटरनल लिंक क्या है? अब जैसे कि हमारा कोई बहुत बड़ा पेज है जिसमें कि बहुत सारे कंटेंट है और हमें स्क्रोलिंग बहुत करना पड़ रहा है। अगर हमें स्क्रोलिंग स्किप करना है तो हम इंटरनल लिंक क्रिएट करते हैं। उस लिंक की मदद से हम लोग डायरेक्ट कोई भी पेज के सेक्शन में जंप कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने इंटरनल लिंक क्रिएट करने के लिए हम लोग लिखेंगे ए मतलब एंकर टैग और यहाँ पर लिखेंगे नेम, एंड नेम के अंदर हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया A1 और इसे क्लोज कर देंगे एंकर टैग को। हमने क्लोज कर दिया एंकर टैग को और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कुछ भी कंटेंट, जैसे कि मैंने लिखा Para 1 और स्क्रोलिंग, और यहाँ पर कुछ आप कंटेंट दे सकते हैं मगर मैं ब्रेक दे रहा हूँ ताकि थोड़ा स्क्रोलिंग के लिए जगह बना सको पेज में, और मैंने दे दिया ब्रेक। उस तरीके से अब हम लोग सेम कोड Para 2 के लिए बनाएंगे। हम लोग Para 2 देते हैं, हमने दिया यहाँ पर नाम चेंज करना पड़ेगा हमें, एंड नाम भी चेंज हो गया, और फिर से हम लोग यहाँ पर BR लिखेंगे ताकि कंटेंट हम शो कर सके कि ये हमारा यहाँ पर कंटेंट है। मैं यहाँ पर ब्रेक दे रहा हूँ, आप हो सके तो आप कंटेंट भी दे सकते हैं यहाँ पर, और ब्रेक भी दे दिया मैंने यहाँ पर, और हमारा ये हो गया Para 1 और Para 2। अब इसे सेव करके हम लोग जब इसे रन करेंगे तो देखिए कि ये है हमारा Para 1, यहाँ पर कुछ कंटेंट, और ये हमारा हो गया Para 2। अब जैसे कि Para 2 तक मैं पहुँच गया, अब मुझे Para 1 पे वापस जाना है तो मैं स्क्रोलिंग करना पड़ेगा मुझे। अगर मैंने कोई यहाँ पर लिंक लगा दिया जिससे कि मैं डायरेक्ट क्लिक करने के बाद मैं Para 1 पे पहुँच जाऊँ तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी। तो अब जिसे लिंक कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं। अब जैसे कि मैं लिंक लगाने के लिए हमने यूज़ करेंगे एंकर टैग फिर से। अब यहाँ पर लिखेंगे HREF, ओके यहाँ पर HREF लिखेंगे, और HREF के अंदर आपको पता है कि हमें लिंक देना पड़ता है। एंड अब हम ये लिंक क्या देंगे, तो हम लिंक देंगे Para 1 का A1, यहाँ पर नाम है A1, तो उसी तरीके से हमने Para 1 का नाम दिया A1। तो अब हम जैसे कि क्लिक करेंगे यहाँ पर कोई भी विजिट Para 1 और एंकर टैग को क्लोज भी कर देंगे। तो जैसे कि हम लोग विजिट Para 1 पे क्लिक करेंगे हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे Para 1 पे, Para 1 के सेक्शन में। चलिए देखते हैं, सेव करके रन करके देखेंगे। तो ये Para 1 है, हमने Para 1 पढ़ा, फिर Para 2 पढ़ा, फिर नीचे आए, अब हमें Para 1 पे फिर से जंप करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे और हम लोग पहुँच गए Para 1 पे वापस। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल लिंक क्रिएट कर सकते हैं, और जिससे कि बहुत आसानी हो जाती है हमें पेज में मूव करना। हमें स्क्रोलिंग ना करते हुए हम पेज में मूव कर सकते हैं आसानी से। हमने आज जाना कि हम किस तरीके से इंटरनल लिंक क्रिएट कर सकते हैं और हम किस तरीके से पेज में ही मूव कर सकते हैं वन सेक्शन टू अनदर। सो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कुछ नई बातें और HTML के बारे में। और इंजीनियरिंग नेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मैं और ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा। धन्यवाद।